हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम में 6 बजे। तो आज हम जाने वाले हैं एक शॉपिंग मॉल में, स्टोर में मतलब। तो आजकल जो है यहाँ फेस्टिव सीजन है, तो खूब सारे ऑफर्स आते रहते हैं। तो देखते हैं क्या ऑफर आज आया है, आया भी है या नहीं। और मिशी के लिए हमने कुछ सामान खरीदना है, तो ठीक है, अगर सेल चल रही होगी तो ले लेंगे, नहीं चल रही होगी तो भी लेना तो है ही, है ना मिशी? तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसा है यहाँ का स्टोर और कौन से स्टोर जा रहे हैं, वो नेम वहीं पर जाके बताएंगे जब पहुंच जाएंगे। तो चलो हमारे साथ आज जर्मनी का एक स्टोर एक्सप्लोर करने, तो चलो मिशी चलते हैं, लेट्स गो। अभी हम रास्ते में हैं और स्टोर की ओर जा रहे हैं। तो अभी वैसे टाइम हुआ है 6:15, तो आजकल यहाँ जो अंधेरा है ना, वो 4 बजे के आसपास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लेट हो गया है, बट अभी कम ही टाइम हुआ है। अभी हम बस 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे स्टोर में, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे घर से, इसलिए हमने सोचा अभी हम चलते हैं। ये है यहाँ पे हेयर विग्स की शॉप। विग्स वाली शॉप मैंने आपको दिखाई, वहाँ पे आपको हर कलर के जो हेयर विग्स हैं वो मिल जाएंगे, पर्पल, मैरून, इस तरह के जो बिल्कुल ही एकदम अलग कलर्स हैं उस टाइप के भी कलर आपको मिल जाएंगे, और हर एक शेप भी मिलेगी, कर्ल वाले, स्ट्रेट, जैसे आपको चाहिए। तो काफ़ी लोग यहाँ पे लगा के घूमते रहते हैं मल्टी कलर वाले हेयर, तो हो सकता है वो भी इसी तरह की ब्रिक पहनते हैं। एक स्टोर ये है वूलवर्थ, जिसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले स्टोर में। अगर टाइम बचेगा तो शायद हम इस वाले में भी आएंगे, क्योंकि सिर्फ 8 बजे तक खुलता है रात में। तो देख, अभी यहाँ सिग्नल में आपको दिखाई देगी रेड लाइट, तो इस टाइम पे जो कि पैदल जाने वाले लोग हैं वो रुक जाएंगे, और जैसे ये ग्रीन होगी तब सारी कार्स वगैरह जो हैं वो रुकेंगी और हम लोग जाएंगे, मतलब जो पैदल चल रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं इसके ग्रीन होने का। ये है यहाँ पर टैगी, तो चलिए अब इसमें करते हैं एंट्री। अब हम आ गए हैं इसके स्टोर के अंदर, और यहाँ पे आपको क्लोथिंग से रिलेटेड और जो भी आपके घर में डेकोरेशन वाले आइटम होते हैं वो सब मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको स्टोर मतलब इस स्टोर का जो है एक टूर कराऊंगी, क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या है इस स्टोर में टैडी में। मिशी ने यहाँ पे कर दी है शॉपिंग स्टार्ट, और ये कैप देख रहे हैं मिशी पे, कैसी लग रही है मिशी? टाइट नहीं लग रही है। टाइट नहीं है, हाँ सही साइज है। और ये आ गया है अब क्लोथिंग सेक्शन इस साइड, बाकी ये कुछ आइटम्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 यूरो में मिल जाएंगे। इसमें कुछ कुछ किचन वाले आइटम्स भी हैं। और साथ में यहाँ पे हैं मग्स एंड कप्स। मिशी आपने अपने लिए क्या लिया? शूज। कौन से शूज पसंद आ रहे हैं आपको? ये। ओह, इनमें तो लाइट्स भी जल रही है। तो ये देख सकते हो आप, ये कैट के लिए जो है ना आर्टिफिशियल माउस रखा हुआ है, तो 1 यूरो का है। तो माउस भी यहाँ पे लोग अपने पैट्स के लिए खरीदते हैं। वाह क्या बात है, और साथ में ये आवाज़ भी कर रहा है ऐसे। कैसे कर रहा है? तो यहाँ पे लोग जैसे पैट्स रखते हैं ना अपने घर में, कैट्स एंड डॉग्स, तो उनके लिए भी जो है अलग से सॉफ्ट टॉयज़ आते हैं। तो इस वाले सेक्शन में ना पैट्स के लिए ये सारे के सारे जो हैं टॉयज़ हैं। तो मिशी के लिए हम बॉटल सेलेक्ट कर रहे हैं। मिशी आपको कौन सी अच्छी लग रही है तीनों में से? ब्लू। तो मिशी ने ये वाली बॉटल अपने लिए सेलेक्ट करी थी, तो यही बॉटल हमने इसके लिए ले ली है। और ये चीज़ सही है इसमें कि हॉट वाटर भी जो है इसमें हम दे सकते हैं, तो बेसिकली इसको कीटा के लिए चाहिए, बाकी घर के लिए तो हमने ली हुई है। ये आ गया है मिशी का फेवरेट सेक्शन, जो कि है टॉयज, पर जो भी DIY वाला सामान होता है, कुछ भी डेकोरेट करना है, गिफ्ट पैकिंग करनी है, तो वो आपको मिल जाएगा इस साइड। अभी हम पूरा लगा रहे हैं यहाँ पे एक राउंड, और साथ में आपको भी दिखा रहे हैं क्या क्या है इस स्टोर में। इस साइड है शूज एंड स्लीपर्स, इस साइड है हैंड बैग्स वगैरह और बच्चों के लिए जो बैक पैक्स होते हैं। इस साइड हैं ये बॉक्सेस, तो इनमें आप कुछ भी गिफ्ट रख के जो है दे सकते हो क्रिसमस वगैरह पे, और इसमें गिफ्ट पैक करने के बाद साथ में इस साइड दिए हैं बैग्स, जिनमें आप इस बॉक्स को रख के जो है अपने लव्ड वंस को गिफ्ट दे सकते हो। तो हर साइज के बैग्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे इतने
मिनी बैग्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस साइड हैं बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज, तो एक गिटार भी है यहाँ पर। ये इस साइड भी ये पूरा डेकोरेशन वाले आइटम्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये लैडर्स हैं। तो यहाँ से जो है डेकोरेटिव आइटम्स खरीद के अपने घर को पूरा डेकोरेट कर सकते हैं क्रिसमस के लिए। और साथ में यहाँ पे कैंडल्स हैं, तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस जो है यहाँ पे आ रही है। अभी हम इस स्टोर का जो है पूरा एक राउंड लगा रहे हैं, साथ में आपको भी एक्सप्लोर करा रहे हैं कैसा कैसा यहाँ पे क्या क्या सामान है। और तो अभी हम पूरा राउंड लगा नहीं पाए हैं, काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। इस साइड है ये वूल, अगर किसी को स्वेटर वगैरह या ये सब चीज़ें बनानी है तो यहाँ से वूल ले सकते हैं। बाकी इस साइड जो है वो है स्टेशनरी आइटम्स पूरे। इस साइड हैं ये काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज, तो इतना बड़ा है ये, माय गॉड काफ़ी बड़ा है ये। और ये है दूसरे में देखते हैं 40 यूरो का, मतलब कि अगर INR में बात करें तो ये वाला जो सॉफ्ट टॉय है वो है 3200 का, बट बड़ा है काफ़ी। और इस साइड जो भी प्लास्टिक वाले आइटम्स होते हैं वो सब हैं, ग्लास एंड प्लेट्स वगैरह, पता नहीं प्लास्टिक के हैं ये पेपर के हैं ये मुझे नहीं पता, शायद कुछ प्लास्टिक है और कुछ जो है वो पेपर के बने हैं। फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे क्रिसमस वाला जो भी सामान है, कप्स हो गए आपके, अलग अलग चीज़ें, सब में जो है सेंटा बना हुआ है, तो इस तरह की डेकोरेशन वाली चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो मोस्टली इस वाले स्टोर में यही आपको ज़्यादा मिलता है। क्लोदिंग सेक्शन की अगर बात करें तो क्लोदिंग में आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, हाँ गिफ्ट्स में आपको काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएंगी। इस साइड है आपकी वॉचेस, और इस साइड आपको मिल जाएंगे हेयर एसेसरीज, बाकी इयररिंग्स, बैंगल्स वगैरह भी जो है यहाँ पे, बैंगल्स तो नहीं, ब्रेसलेट वगैरह जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पर। तो मुझे भी लेना है कुछ इसमें, तो चलो मैं लेती हूँ अपने लिए। हेयर एसेसरीज जो मुझे लेनी थी, क्लचर वगैरह, वो मैं ले चुकी हूँ, क्लचर एंड रबर बैंड। अब हमने जो भी सामान लेना था वो हम ले चुके हैं, तो शॉपिंग हो गई हमारी पूरी, और अब हम बिलिंग कराने के लिए जो है लाइन में लग गए हैं। और मिशी आप क्या कर रहे हो यहाँ सेंटा क्लॉज को, आपको कैसा लगा शॉपिंग करने में? तो हमने शॉपिंग जो है कर ली है पूरी, और ये बैग हमने कर लिया है फुल। अब हम बिलिंग कराने के बाद जा रहे हैं घर की ओर, लिफ्ट इस साइड है, तो अब हम जाने वाले हैं घर की ओर। और कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग जरूर बताना, कैसा लगा टैडी स्टोर। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।